हमारे इस कार्यक्रम को संचालन करने में भूमिका का निर्वहन करने वाले कोटा जिला सब कोटा प्रखंड इकाई की टीम का धन्यवाद। हमारे बीच जितने भी पार्टी के हमारे साथी हैं, सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, सभी को धन्यवाद, जोहार आदाब। तो आज दीदी साहब बैठे में दिक्कत ना है ना, दिक्कत आओगी सेठ जी, गाड़ी को सब पीछे ले लिया ना, आप पीछे लेकर सर दबाइए, स्टेज तरफ दबाइए, तो आप पीछे लेके स्टेज तरफ दबाइए, दिल्ली लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। पीछे आप लोग तो हट जाए, देखिए भैया लोग आप लोग कहीं भी रह जाएंगे, आप लोग छत में जाके दवाल में चढ़ के कहीं से भी सुन लेंगे, पीछे आइए और स्टेज के तरफ दबाइए। झाकर नहीं आओ क्या, नहीं आओ क्या, जय राम माता जिंदाबाद, ठाकुर जय राम माता जिंदाबाद। आप लोग पीछे आ जाए ना भैया लोग, कौन पीछे आ जाना, उधर से भी कैमरा लग लगे, एक साइड आ जाओ, कौन महिला के साइड से अलग आ जाओ, आप लोग महिला लोग के साइड से अलग हो जाइए, थोड़ा क्या बना लीजिए, आप लोग पीछे जगह पीछे आइए, कोशिश कीजिए पीछे आइए, ए नो नो, अरे नो नो, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, आप तो हिंदा है जगह आ जाओ, इधर आओ सब, इधर आओ, तो आज गोड्डा के पावन धरती में सबसे पहले जितना भी आंदोलनकारी, जितना भी स्वतंत्रता सेनानी हल्के सभी के एक संगे नमन बंदन कराइए और अपन बात के रखने की चेष्टा करिए। सबसे पहले आज आखिर गोड्डा के पावन धरती में किस उद्देश्य के साथ हम आयल हियो, की बात कहले हम आए लियो, आखिर हमने ये आए लियो तो अगर कारण की हो, अगर मकसद की हो, अगर मतलब की हो, तो सबसे पहला बात आज आज यदि अलग झारखंड राज्य की बात करिए या भारत देश के अंग्रेजों से आजाद करे के बात करिए, जब भी इस मिट्टी में संकट पड़ले हलाय, जब भी इस मिट्टी में कोई आंच भवालाय, हमने के बाप दादा हमेशा संघर्ष करके, हमेशा आंदोलन करके अपन मिट्टी के, अपन राज्य के, अपन देश के बचने के काम करा हलाय। यह क्रम में यह संथाल परगना के दुमका गोड्डा के धरती, जहां संथाल विद्रोह 1855 में सिद्धू कानो चांद भैरव फूलो झानो चांदो मातो असंख्य महापुरुष जो अपन बलिदान दे के सबसे पहले भारत देश के अलग अलग कर ले अंग्रेजों के अधीन से, भारत देश के आजाद कर ले, और यह झारखंड की मिट्टी में एक लंबा संघर्ष के बाद हमने के बाप दादा अलग झारखंड राज्य का निर्माण कर ले। लेकिन आज सवाल है कि आखिर झारखंड राज्य के निर्माण कहा गया, आज 24 साल के बाद झारखंड के जनमानस इस बात पे सवाल कर रहा है, आज 24 साल के बाद झारखंडी लोग ये बतवा बोल रहा है हर जगह में कि आखिर झारखंड राज्य ककर खाते बन गए, किसके लिए बना ये राज्य, क्यों बना, आज भी ये सवाल है। आज अगर बात करल जाए तो सबसे पहले
यह बंगाल में पश्चिम बंगाल हो तोरे गोड्डा जिला के ठीक पाकुड़ पार कर भी है पश्चिम बंगाल हो गोड्डा जिला से 10-12 किलोमीटर दूर में बिहार हो यानी अगर तो बिहार चल जी भी तो बिहार के कायदा कानून है अगर बंगाल चल जी भी तो बंगाल के कायदा कानून हवा है लेकिन झारखंड देख देवी साहब 24 साल से अपनी अपना लूटा लो झारखंड राज्य के ना कि 1000 रुपया तो बहुत बड़ा राशि हो यदि 200-250 अगर 300 रुपया भी सरकार दे दे ना तो हमने के माए हमने के दीदी साहब लाइन में लग के पैसा लगाए ताकि सवाल पापी पेट के लगे इसलिए आप तो हमने के झांसा में ना आना हो और सबसे पहला बात जान ले अच्छा एक बात बताओ मैया के सम्मान में है कि सबसे पहला बात तो हमें आज तक न जाने है कि मैया के असली सम्मान कहाँ है अच्छा अगर कोई मैया के सम्मान में है ना बिल्कुल ना मैया यानी एक महिला मैया यानी एक बेटी चोवा मैया यानी एक नारी मैया यानी एक स्त्री तो स्त्री के असली सम्मान कहाँ है मालूम हो तो हमी के बताए रहे जब एक नारी कुमारी रहा है वो बेचारी पूजा पासा कर है ककर खातिर अपन भाई का जब वो शादी भय जाए ककर पत्नी भय जाए वो पूजा पाठ कर रहा है ककर खातिर अपन पति खातिर जब वो छोवा के माए भय जाए पूजा पाठ ककर खातिर कर रहा है अपन बेटवा खातिर बताओ तो तर भैया में तर पति में तर बेटवा में एको दिन एको घंटा तर खातिर उपास रखल यानी एक मैया जब कुंवारी रहा है अपन भैया खातिर पूजा कर रहा है 7 दिन सहाय करम परम में सहाय कि नहीं 7 दिन 9 दिन 11 दिन यह मैया जब ककरो पत्नी बन जाए तो अपन पति के लंबा उम्र खातिर उपास कर रहा है सहाय पूजा पाठ कर रहा है यह मैया जब बच्चा के माए बन जाए तो अपन बचवा के खातिर जितिया परम कर रहा है कराए कि नहीं करा यानी मैया के सम्मान 1000 रुपया में न कहो सरकार मैया के सम्मान गोगो दीदी योजना में ना हो मैया के सम्मान और भैया के सम्मान में हो मैया के सम्मान और बेटवा के सम्मान में हो मैया के सम्मान और पति के सम्मान में हो कि गलत बोलो यो मैया के सम्मान और भैया के सम्मान में हो मैया के सम्मान और बेटवा के और बिटिया के सम्मान में हो मैया के सम्मान और पति के सम्मान में हो इसलिए सरकार के साफ साफ बोल दी ये जो कोई नौटंकी कर रही ये जो 1000 रुपया महीना में दिए के ड्रामा कर रही तो अपन पत्नी के बेस बेस लुगा किन के 3000 टका है अगर मैया के सम्मान देना हो तो मैया के भैया के मैया के बेटवा के नौकरी दिया कामकार वही मैया के सम्मान ये गलत बोला जो मैया के असली सम्मान और भैया के रोजगार में मैया के असली सम्मान और बप्पा के काम में मैया के असली सम्मान और पति के नौकरी में मैया के असली सम्मान और बेटवा के बेहतर पढ़ाई लिखाई में औटे मैया के असली सम्मान में हो लेकिन सरकार बहुत होशियार नेता ई मंत्री ई विधायक ई सांसद एकनी बड़ी होशियार एकनी के मालूम है कि झारखंडी आदमी के सोच ज्यादा बड़ा ना है एकनी के 4.5 साल एकनी के जय करना हो कर बस चुनाव से ठीक पहले एकनी के भुला ली इसलिए पहले की भवाला कि चुनाव के समय मरद बेटा सबके दारू मुर्गा होटल में खाना खिवाल है गाड़ी में पेट्रोल भर है लेकिन जब से 2 साल से हम भाषण दिए लगली है कि आप मरद लोग का तो वोट खरीद लेंगे दीदी लोग दारू नहीं पीती है दीदी लोग मुर्गा नहीं खाती है जब से हम 2 साल से बोले लगले ना कि ठीक है आप भैया लोग का वोट मुर्गा में दारू में पेट्रोल मिला दारू नहीं करती है तखन सरकार कहला है कि ना ये लड़का तो ठीक बोलता है दीदी लोग का वोट कैसे ले तखन याद आ एक महीना पहले मैया सम्मान योजना यदि मैया सम्मान योजना इनको देना ही था
तो 2020 में तक चले, बीएफआई हलाए तो 2020 में तक चले, ताकि चार साल में 1248 को महीना की अगर बीएके हलाए तो 2020 में जब लाए भोटवा टाइम मैया के याद आयल है। यह वास्तव में इतना है ना कि अखनी के मालूम है कि अखनी के खियाई सकल ये पियाई सकल ये फटफटिया में तेल भर दबाए, लेकिन अखनी के तुम्हें भूलवे पर भाई तखन तोहनी के भूलवे खातिर यह मैया सम्मान ले जाए। कौमी एकदम सरकार के साथ साफ बोल दबा कि देख सरकार अब हमनी बोका ना लगी, हमनी के दे भी महीना में 1000 टका प्लास्टिक पाउडर गाजर भेटाए, मैं नर्सरी में पढ़े वाला नोनी और नोना के ट्यूशन फी भरे, यानी हमनी लगो 1000 और सरकार कितना ले तो सरकार यानी मुख्यमंत्री के बहु लगो विधायक, मुख्यमंत्री के भौजी लगो विधायक, मुख्यमंत्री के भाइयों लागो विधायक, मुख्यमंत्री के पप्पो लागो सांसद, अखनी के महीना 3 लाख है, यानी 5 या 15 लाख, यानी हमें मुख्यमंत्री कितना लगतो 15 लाख और हमने के मैया के हमारे बहनिया के 1000 तक आप ना चलते तो गलत बोलो यो की जब फरमा भरा हला 10 घंटा लाइन में हला कि नहीं, भूखे प्यासे हला कि नहीं, तो सर्वर खराब हो गलो, मशीन खराब हो गलो, लाइन चल गलो, इंटरनेट काम नहीं कर रहा लो, हला कि नहीं, ये कौन सा सम्मान भाई। यही मैया लोग जो बैठी है इसका बप्पा लोग लाठी लेके धर, यहाँ जो मैया लोग बैठी है, यहाँ जो दीदी लोग बैठी है, इसी का इसी का दादा लोग, इन्हीं का नाना लोग झारखंड राज लड़ के मर के लिए है, 1000 रुपए का भीख मांगने के लिए झारखंड राज नहीं लिए है। मेरा झारखंड मूलवासी फ्री फोकट हमने नहीं खा रहा है, एक ले बुरा नहीं मानिया, ये फ्री फ्री के चक्कर में हमने बर्बाद हो रहा। अभी हम छोटा सा बात बोले हो, यहाँ कितना जान है जकर राशन कार्ड हाथ खड़ा कर, देखा लाल शरम के बात नहीं, हमरो है हम खड़ा कर दे हमारे दादी के नाम से, हाँ हमारे आजी तो नहीं की बोला दादी के दादी बोला है, हाँ दादी आजी बोड़माई जय बोला है, ओका अब हाथ में चुप करा। अच्छा एक बात बोला, ये राशन कार्ड में जो नाम है तो की मिलो बदले में 5 किलो 4, सही बात 5 किलो 4 मिलो हो, मिलो ना। चल अब सुन, जितना हमार मौसी के माई के उम्र में, जितना हमार जेठी फुफैयन के उम्र में हा, यानी जकर जकर चुलियन पाई करो तनी तनी उस सबके बोलो यो, तोहनी आज से 10 साल 15 साल पहले याद करो तो हमनी गांव में, हमनी दुआर में, हमनी आंगना में कोई मांगे वाला आवा हल, कोई साधु रहे, कोई पीर फकीर रहे, कोई महात्मा रहे, कोई बोला ले भगवान के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम में दे दे, 4 दिन से नहीं खाए हैं, अल्लाह आपका भला करे, भगवान आपका भला करे, मैया आपका भला करे, हमनी दुआ मांगे ले आओ हले कि नहीं पहले इतना बताओ, याद हो मांगे ले आओ हले, कोई भी गरीब आदमी लाचार बेबस आदमी मांगे ले दुआ आओ हले, आओ हले ना। तखन हमने की कर लिए हमार मैया में, हमार मुसिया में, हमार काकी, हमार जेठी, हमार दादी, हमार नानी अखनी के सुखवा में पहुंचाई के सुखु जाना दादी साहब सुखवा में पहुंचाई के हमरा बुझा है महीना दिन में 10 किलो धान 4 साग सब्जी लोग के दाम दे दे रहे, हाँ कि ना इतने बोला, यानी महीना दिन में हमने 10 किलो धान 4 दान दे दिया, आज देख ले फ्री फ्री के चक्कर में 5 किलो 4 खातिर लाइन लाइन गला भीख मांगे लगा, सोच के देख कहाँ आई गला, बहुत बड़ा बात बोला यो। बहुत बड़ा बात बोला यो, यह 10 साल पहले यह मैयन में, यह ददियन में देहला कि नहीं, सुपुआ में पहुंचाई के धान चार दहलग लग के कि ले हमार दुआ रहले हैं निराश रहे हैं, ले पेट भर के खाइया, ले एक पहला चार
पहला बुझा ना अब पहलवा में नाच के ले एक पहला चार ले एक पहला धान आज दिन नाच तो चार बारी से चार को बैगन आन के दे दला चार को गुलाबी आन के दला ना पहला को कोठा पर चढ़ के चार को प्याज चाहे आलू आन के दे दला कोठा बुझा ना हाँ अभी दलान घर भर गए ना यदि को ना तो कोठा चढ़ के आलू प्याज आन के दे दला दला कि ना यानी हमने दिए वाला लग लग लिए आज पांच किलो खातिर कोटा का लाइन लाइन के लिए भीख मांगे लग गए सोच के देख कहाँ आ गए इसलिए तो अपन इतिहास के याद कर यह फ्री के चक्कर में आज से 20 साल बाद किए तो मालूम हो आज तो 5 किलो खातिर चार लाइन लगल है ना शायद आधा किलो चार और 100 टका भैया सम्मान में तखन 100 टका भेज दो ऐसे 20 साल बाद 100 रुपया और कोटा आधा किलो चार हमने के लाइन लगे गलत नहीं बोला अभी तो नहीं हमारा एक बात बता ककर घर का एगो बेटा अपने बेटा के की बोला बीते बोला है ना जो मोटका मोटका पुआर के हाँ ये मोगरा मार मार के बड़का बड़का बीता है ककर ककर घर है ना हो ना 20 साल बाद की है तो सोच ले आज 5 किलो चार खाते भीख मांगा है ना 20 साल बाद आधा किलो चार सही खाते हमें पहला बार सरकार पे तो बात करवे करवे हमने विधायक जब सरकार बनाए की नियम बनाए उठा में तो बात करवे करवे लेकिन एक बात तोरा बोल दे हो हमने भीख मांगे वाला लोग राय लग रही है हमने निरन महीना करो दे जेठ महीना करो दे भादर महीना करो दे माटी से लड़ के माटी खट के धान उगाए के अरज के अपन संगे संगे गाय गोरु चेरा चिंगनी के पेट भरे वाला लोग लग है अपन इतिहास भूल रहा था सही खातिर अपन इतिहास भूल रहा था सही खातिर आज भटक रहा आज भी गांव देहात में बूढ़ा बूढ़ी सब एगो गाड़ी देत रहा है कि हाँ रे मुजारा कहा करेगा लाने की पता नहीं तुम्हें बुझा कि नहीं कि हाँ रे कहा करेगा लाने हाँ रे पहाड़ धांसे लगे लाने जखन धार घुरल है एकर मतलब की लगा है कि हमनी के बाप दादा जे हले ना सही में पहाड़ धांस के पहाड़ काट के ओकरा खेत बनवल हले और आज हमने देख ले 5 किलो चार खातिर लाइन लग गए इसलिए एक बात कहो चूंकि हम कोटा जैसी है लियो तो हमारा यहाँ बहुत कोई कहलो कि तुम्हें धड़ा धड़ा अपन झारखंड के लोग धनबाद को कार में तो जमीन बेचिए रहा है रांची में तो जमीन बेचिए रहा है अब सुने तुम्हें कोटा हूँ जमीन बेच रहा है देखा एक बात हमारे सुन ले मानना हो ना मानना हो तो समझ जमीन में तोहर लगो तोहर थपियार में तोहर नाम हो लेकिन एगो हम 2 साल से जो समझ रहे हैं बताए दियो कुछ भी करिया सोना चांदी बेच दिया ना हको तो एगो किडनिया बहरा के बेच दिया लेकिन अगर जमीन में छोड़ना तो कहीं के ना रहे किडनिया अगर किडनिया बेचवा ना गो तो एक एक लोग के नुकसान में जमीनवा बेचवा और खानदान के नुकसान में पूरा खानदान सड़क में आ जितो पूरा खानदान रोड में आ जितो और सबसे ताजुब लगल जमीन बेच के यदि तोहर बेटा बेटी डीसी बनतल एसपी बनतल वीडियो सीओ बनतल तो हमें कुछ नहीं बोलता लियो सुना यो खाली गाड़ी घोड़ा लिया चलती दारू और मुर्गा खा चलती जमीन बेच रहा बहुत शर्म के बात है बहुत शर्म और दुर्भाग्य के बात है एक बार चिरा जान ले संपत्ति तो जितना लोग बैठक चाहे वो नेता लगाए चाहे वो मीडिया लगाए चाहे वो वकील लगाए चाहे पुलिस लगाए ओकर मकसद की है कि 2-4 संपत्ति बनवे के संपत्ति दुए प्रकार के भेवा है एगो चल संपत्ति एगो अचल संपत्ति चल संपत्ति मतलब सोना चांदी चल संपत्ति माने घड़िया चल संपत्ति यानी मोबाइलवा चल संपत्ति यानी टीवीया चल माने ई घड़िया गोड्डा में हो चल के धनबाद जा सकल ई सोना आज तोर का खेचा हो तोर बात कर बेटिया चाहे पुतैया ही ना चल ले या तो चोरे चोराई के लगे गैला लगो चल संपत्ति ई मोबाइल वो लगो चल संपत्ति अचल संपत्ति एक एक भेव है और अपना बोल जाए बाप के खेत खरिहान जमीन के टुकड़ा इसलिए ओकर से समझौता नहीं करिए बाप के जमीन बारी से समझौता नहीं करिए
वास्तव में, क्योंकि कोई भी अगर कोई काम कर रहा है तो हमेशा गर्व कर रहा है। जैसे कोई अगर डॉक्टर लगाए वो गर्व कर रहा है कि हमें डॉक्टरी के काम कर रही है। कोई यदि इंजीनियर लगाए वो गर्व कर रहा है कि हम इंजीनियर लगे। कोई यदि वकील लगाए वो गर्व कर रहा है कि हम वकील लगे। लेकिन चास करे वाला लोग कभी गर्व ना कर ले कि हम किसान लगे। गर्व कर अपन काम में, गर्व कर और तोर काम दुनिया में सबसे महान हो। भारत देश में सूरज भैया कोई मंदिर जाए के पुण्य कमो है, कोई मस्जिद जाए के पुण्य कमो है, कोई चर्च जाए के पुण्य कमो है, कोई गिरजा घर जाए के पुण्य कमो है, कोई गुरुद्वारा जाए के पुण्य कमो है। लेकिन पर खेते जो हार जोते है ना वहाँ भी पुण्य के काम है। कैसे सही तरह बुझाए दे धान रोपले है, धान रोपले है ना, नहीं रोपल की धान रोपल है। अच्छा जब धनवा पाकता है यानी पीला भेते हरदियाल तो सबसे पहले वो ककर पेटे देते है। हमनी खेबे की पाके के छोटे हमनी खेबे की ना। जैसी धनवा पीला भेते पाकता है सबसे पहले देखिए मुसवा पेटे देते है। खेते जितना मूसा हो देखिए माटी तरस निकलतो और सबसे पहले खेतो। अच्छा एक बात बताओ, ककरो खाना खिले से बड़ा पुण्य दुनिया में और कुछ है की? ककरो पेट भरे से ज्यादा पुण्य कुछ है की? तो मूसवा में केवल तोर धनवा खेलो ना है और मुंह रख ले तो बोलते लो कि देख चाचा तोर चलती हमार खानदान के पेट भर ले तो हमें पूरा खानदान हमार गिदर बुतरू सब तोर आशीर्वाद दो कि बछरी तोर धान धोरा इसने भर। पुण्य कहाँ मिलता है? और बात की भलाई जब बलियन खड़ा है तो मूसवा खेले और बात तोहनी हंसवा काटे लगला बलियन गिर गए तो गिर ले तो क्या खेला है? चेहरा चिंगिंदी गिरल बात क्या खेला है? चेहरा चिंगिंदी और बात मुड़वे आई के लगाए के खरिहान में रखला। खरिहाने बोला ना तो खरिहान में जब रखला तो क्या खेला है? देखिए पिपरी घर बना लेते कांटा कांटा पिपरी घर बना लेते और बात मारा घुरे ला तो जब मारा घुरे ला तो कुमार अलग भय गए धान अलग भय गए कुमार क्या खेला है? बड़ा गुरु खेल खेले की नहीं? और बाद अपना कुत्ता अब तो मशीन ढेकी गुटा हल यानी एक देगे भूसा एक देगे चार तो की भूसा हम नहीं खेलिए ना फिर गैया के दिली। और बाद मैं मुसनी अपना सुपला में पहुंचर लय जब चार निकल ले अगर पहुंचर लय तो पहुंचरते पहुंचरते एक तरफ खुदी चार एक तरफ बेस्ता चार खुदी चार क्या खेल है? मुर्गी चिंगने में खेल है। और बाद चढ़ा लय धान चूल्हा में चढ़ा लय डब कैल ढार लय तो ढारल बाद मार एक दिखे भात एक दिखे मड़वा क्या खेल है? छगनी पट में खसिए खेल है। और बाद हमनी फतवा खाइले शुरू कर लिए ओकरो में जब नाय खाए पर लिए अंधर गए तखन हमनी अंगनवा से बाहर अलिए और कहलिए लोह लो बाड़ा कुकरा के ने उतार दे दिए। सुन कितना सुंदर सिस्टम कि जुटवा भतवा तोर दे के मूसने नाय खेलो आज जखन मूसने खेलो बोलिए उल्टा कुकरे नहीं खेलो यानी सब के वो सिस्टम फाइट दली कि देख खेते रह तो मूसा जितना खाए को तोर हिस्सा लगो जब बाल गिर तो चेरे चिंगी नहीं उल्टा तोर हिस्सा लगो खरिहान में आनकर रखो पिपरी तोर हिस्सा लगो कुमार करबो कड़ा गोरु महेश उल्टा तोर हिस्सा लगो जब चार से खोदी चार अलग हो तो मुर्गी चेंगना उठा तोर हिस्सा लगो जब मार धरबो मारवा मुर्गी चेंगना पिया पड़ता है ना तो मार धरबो एक छगरी पटरू उठा तोर हिस्सा लगो अरे कुकरा राधिया ना लास्ट में मार उठा तोर लगो। बताओ दुनिया में इतना पुण्य कहीं हो कि पूरा तो सिस्टम से देख किस प्रकार लोग के पेट भर है। सिस्टम से देख खड़ा हलो तो क्या खेलो बाल भाई गला तो क्या खेलो खरिहान में डिंगा ले तो क्या खेलो मारा घूर ले तो क्या खेलो धनवा कुटले तो क्या खेलो पछर ले तो क्या खेलो अधान चढ़े ले तो क्या खेलो और जूठा सखरिया बाँच गए तो क्या खेलो। तभी तो अपन काम में गर्व ना कर ले। सही खातिर आज किसान के ये हाल हो जिस दिन किसान अपन काम में गर्व करता है कि हाँ कोई वकील लगे अच्छा बात हो कोई डॉक्टर लगे अच्छा बात हो कोई मास्टर लगे अच्छा बात हो लेकिन हमें मानुष के संगे संगे
चेरा चिलगिनी कुकुर बिलार सबके प्लेट भरे वाला किसान लगे। तो इतना हमार बाप के मकसद हलो कि जमी बारी में रह किरणिया निकाल के बेच दिया, किरणिया निकाल के बेचवा तो एक एक लोग नुकसान कर जमीनवा बेच दबा खानदान के नुकसान कर बेटा कहनी के सोचना है। तो आज अब थोड़ा सा विषय में बात करिए कि आज हमने अगर सरकार में तो देखिए सबसे पहला बात भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जमीन के बचाना भी अब सरकार के जिम्मा हो और जमीन भी बचाना सरकार के जिम्मा हो और नौकरी भी बचाना सरकार के जिम्मा हो। तो सरकार ने अगर बढ़िया आदमी ना भेजे तो ना तो खेत बचतो ना तो नौकरी बचतो। आज खेत भी खत्म हो रहा हो आज नौकरी भी खत्म हो रहा हो कहे न सरकार में गलत आदमी आके बैठा हो। सरकार में जब आके बैठा हो हेमंत सोरेन साहब तो अकरा गरीब आदिवासी के चिंता ना भेवा अकरा चिंता भेवा कि हमर पत्नी विधायक कैसे बन हमर भौजी विधायक कैसे बनते हमर भैया विधायक कैसे बनते। इसलिए अब बढ़िया फेस नेता के चुनिया जेकर सुख दुख में साथ दतो जेकर नीति नियम के राजधानी में जाए के मजबूती से उठे तो इसलिए अब तोहनी के भी राजनीति के खेती के संगे संगे राजनीति के बोझे दियो बोझे तो खेती भी और राजनीति भी कभी राजनीति खेती खत्म कर दे। अगर बढ़िया से राजनीति करे वाला लोग ना आए लोग तो राजनीति खेती खत्म कर दे तो इसलिए राजनीति और खेती दियो बुझिया। इसलिए और आज हमने साफ कहो अगर हमने जीत के आवे हो तो सबसे पहला काम खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बन दो। सबसे पहले खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बन दो और उस स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति बनतो। सरकारी नौकरी रहे या गोड्डा के प्लांट में प्राइवेट नौकरी रहे प्राइवेट में 75% सरकारी में 85-90% झारखंडी के हिस्सा रहते हो ऐसा नियोजन नीति बनता। आज ही एक गोड्डा में बताओ जमीन ककर ले गए जमीन लिखता है गोड्डा वासी ले ले ना जमीन ले ले गोड्डा वासी के वहां पने लगले बिजली गोड्डा रहले अंधारे और बिजली गले बांग्लादेश बिजली कहाँ गले बांग्लादेश यह गोड्डा के धरती में बिजली बन है और बिजलिया जाए बांग्लादेश। आर एगो ताज्जुब के बाद क्योंकि मीडिया लोग आए हैं आपके माध्यम से थोड़ा हिंदी में बोल रहे हैं कि ताज्जुब क्या है कि जो कोयला आता है वो ऑस्ट्रेलिया से आता है यहाँ जो कोयला आ रहा है ना वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। आपके मोबाइल में गूगल मैप है आप गोड्डा टू ऑस्ट्रेलिया और ढाका टू ऑस्ट्रेलिया ढाका यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका टू ऑस्ट्रेलिया सर्च कीजिए और गोड्डा टू ऑस्ट्रेलिया सर्च कीजिए सामने कौन मिलेगा ढाका ऑस्ट्रेलिया इधर बांग्लादेश पार करके जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया जाएगा यानी ढाका से जब ऑस्ट्रेलिया सामने पड़ेगा तो बोका है झारखंड की फिर पकड़ में खाली जमीन देंगे कोयला ऑस्ट्रेलिया का बिजली जाएगा बांग्लादेश को तो जमीन हमसे कहा लिया गया मालूम है ना बोका है ना मारपीट के ले सकते सिंपल सा बात है एकदम ज्यादा कोई दिमाग दौड़ने की जरूरत ना हो सिंपल बात यदि आपको बिजली बांग्लादेश को देना तो दीजिए ना कौन मना किया आपको बिजली बांग्लादेश को देना है दीजिए हम मना नहीं कर रहे हैं लेकिन भैया हम जमीन कहा देंगे हम जमीन कहा देंगे हम जमीन कहा देंगे आप दीजिए बिजली बांग्लादेश को आप कोयला ऑस्ट्रेलिया से ला रहे हैं तो बांग्लादेश का जमीन लीजिए ना आप बांग्लादेश का जमीन लीजिए वहां बिजली बनाइए और बिजली बांग्लादेश के हम फ्री फॉरवर्ड में गोड्डा के लोग जमीन कह देंगे। इसलिए 75% स्थानीय लोग के रोजगार अरे सरकारी के बाद जो प्राइवेट संस्था रहता है वहां दिए के काम करते और आज एक बात स्पष्ट कह चाहिए कि आज हर एक तरह से झारखंड लुटाए रहा लो अभी यहां तक कितना पढ़ल लिखल भाई सब हा कि नहीं
अच्छा अभी भी इस भीड़ में कितना भाई ऐसा है जो स्टूडेंट पीरियड में है, हाथ खड़ा करा, जो स्टूडेंट लगा हाथ खड़ा करा, कितना नूनी सब है जो स्टूडेंट लगा हाथ खड़ा करा, तनी बताओ इतना इतना स्टूडेंट अभी यहाँ, यानी स्टूडेंट के सपना की लगे वो स्टूडेंट के सपना लगे पढ़ लिख के नौकरी करना लगे ना, ये दादी ये बच्चा सबके सपना लगाए पढ़ना, बीए पास करना, इंटर पास करना, एमए पास करना और पढ़ लिख के वो नौकरी लेना, दो पैसा कमाना लगे कि ना। लेकिन आज ही सरकार की कर रहा मिल मिस के अखनी हमने की नौकरी इनके बिहार वाले इनके यूपी वाले इनके बंगाल वाले इनके तो जाएंगे उड़ीसा वाले इनके गुजरात वाले इनके 25 लाख 30 लाख लेके बेचो हो 25 लाख 30 लाख दे के और हमने के 1000 रुपया मुहैया सम्मान एकदम बेमान सतान लग गए 25 से 30 लाख में हमने नौकरिया बेचो हो। अब बताओ गोड्डा में कितना मैया और कितना बप्पा ऐसा था, कितना बाप और माँ ऐसा था जो अपन बेटवा के अपन बेटिया के 25 लाख में नौकरिया किन के दिए पा रहा ना, 25 लाख में नौकरिया किन के ना दिए पा रहा। इसलिए यदि वो सरकार ना समझो हो तो सरकार हवा से ना बना है, सरकार पानी से ना बना है, सरकार मिट्टी से ना बना है, सरकार लोहा से ना बना है, सरकार गैस से ना बना है, सरकार हमने वोट से बना है, सरकार हवा से ना बना है, सरकार पानी से ना बना है, सरकार लोहा से ना बना है, सरकार पत्थर से ना बना है, सरकार जनता के वोट से बना है। तो जय जनता के बच्चा के जय जनता के बाल बच्चा के भविष्य बचता है तो सरकार के 24 मुठाए के पटे के रोड में लाइके लिखा देना। आज अगर अपन वोट के मतलब ना समझ भा तो 20 साल बाद संभले के मौका ना मिले, 20 साल बाद यहाँ संग्रह के मौका ना मिले और यहाँ के विधायक रो चाहे सांसद अगर कोई फर्क ना पड़े, सांसद तो जानवे कर रहा सांसद बनो हो गोड्डा में और खुद लगो भागलपुर, सरकार अगर योजना दिलाए कि महिलाओं के नाम से फ्री में रजिस्ट्री होगा तो निशिकांत दुबे बाबा बड़ी चंगा अपन बहुत नाम से धराधर जमीन मिल रहे। और यहाँ के विधायक अमित मंडल बाबू ये की कर ले मालूम हो, धनबाद में फ्लैट लेके रख ले होगा देखे को चल दिखाई देगा, और विधायक धनबाद भी फ्लैट बड़का बड़का लिया लागल एखनी के कोई फर्क नहीं पड़ा बलाओ की जनता के बाल बच्चा के भविष्य की रहे। सीजीएल की परीक्षा गड़बड़ भई गई, पेपर लीक भई गई, ओकर से कितना स्टूडेंट कांदे लागल है, कितना स्टूडेंट अपन जिंदगी से हार माने लागल है, एखनी के कोई फिक्र ना हो, एखनी के फिक्र हो कि अपन बहुत नाम से जमीन कैसे लेबो, धनबादी बोकार में बड़का बड़का फ्लैट कैसे लेबो, एखनी कहते फिक्र। इसलिए आज हमने साफ साफ बोले जाइयो तोनी हाल फिलहाल एक इंटरव्यू में देखा लबा देखले है ना, हेमंत सोरेन साहब हलो, बाबूलाल दादा हल तुम, सुरेश महतो साहब हलो, चंपे साहब भी हलो और लगभग अहियों के मंत्री दीपिका दीदी भी हल थे, ऐसा नैसन एक दर्जन डेढ़ दर्जन नेता मंत्री विधायक सांसद हल मंचुआ में, सभी कहले कि हम ऐसे करेंगे, सभी कहले हम ऐसे करेंगे, अकेला हलाय पारसनाथ के टाइगर बोलिए मालूम हो कि यदि हमारे भाई बहनों के सपनों से कोई खिलवाड़ करेगा दामोदर नदी में ले जाके हम गाड़ देंगे। देख ले मीठा मीठा बात से धार करना चल तो 24 साल पार भाई गला मीठा मीठा बोल के एक बार चाही, एक बार चाही थोड़ा कड़क, बाकी देख ले डिसाइड तो होने के करना हो, एक बार कड़क चाहिए तैयार है ना, तैयार है तो आगे दे हमने के सरकार में बेमान पहुंचते झोरा के पहाड़ में हमने बनाए बे स्थानीय नीति, हमने बनाए बे नियोजन नीति, हमने जितना भी आज वीडियो सीओ हमने ओकनी के आदेश जारी करल देता है
कि आप 30 दिन से 45 दिन का समय लीजिए और जितना भी जीएम लैंड का मामला है, जितना भी रोटेशन मोटेशन का मामला है, जितना का मामला है, एक भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, सब में सुधार करके जनता के लिए सहूलियत का काम कीजिए। जितना भी हर एक विद्यालय झारखंड राज्य में नौकरी के कोई कमी ना हो, यदि झारखंड में नौकरी ना हो तो कहीं ना हो एक बार सीधा जाएंगे, बस थोड़ा जानकारी ना हो कि नौकरी कहाँ हो। झारखंड में यदि नौकरी ना हो, यदि झारखंड में पैसा कमाए के जगह ना हो तो पूरे दुनिया में कहीं पैसा कमाए के जगह ना हो। फॉर एग्जाम्पल तरफ बदले चाहिए, अभी बगल में देख ले कोई ना कोई सरकारी स्थान हो, या तो पंचायत भवन हो, या तो स्वास्थ्य केंद्र हो, या तो कोई स्कूल हो, वहाँ जो पेंटिंग भेल है एजेंसी ठिकाने है, वहाँ जो पंखा लगा है एजेंसी ठिकाने है, वहाँ जो वायरिंग के काम रहे, चाहे फर्नीचर के काम रहे, चाहे रंगाई पिटाई के काम रहे, सारा एजेंसी ठिकाने है। और ऐसा ऐसा एजेंसी हजारों हजार झारखंड में है, लेकिन एक भी झारखंड ना यूपी बिहार और हैदराबाद के, थोड़ा मालूम ना है कि इनकम हो कहाँ, तो कहीं चाहिए हॉस्पिटल चाहिए सदर होना, हर एक जिला में वो सदर हॉस्पिटल है, गोटा में सदर चाहिए, वहाँ यदि 10 को परमानेंट नौकरी करने वाला हो तो 90 को टेम्पोररी होगी। अब सवाल है 90 को राख लेके कि सरकार लेके अले क्या लेके अले, ओकरा की परीक्षा देके लेके अले नहीं, ओकरा एजेंसी लेके अले, यानी हर एक जगह एजेंसी हो, हर एक जगह कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, हर एक जगह ठेकेदार लिहाज कहनी से निवेदन हो कि झारखंड में कमी कुछ ना हो, बस कमी हो नेता के नियत के, जिस दिन झारखंड में नेता के नियत सुधर जितो झारखंड राज वास्तव में हमारे सोना झारखंड राज वास्तव में हमारे सोना झारखंड लगे। यह गोटा के लालमटिया में कोयला है कि ना है, है ना, देवघर के चित्रा में कोयला है कि ना है, हम धनबाद के लगे, पूछ मत कोयला कहाँ ना है, पूछ मत कोयला कहाँ ना है, अरबों अरब के कोयला, लाख और करोड़ है अरब के बात कर, अरबों अरब के कोयला, लेकिन पैसा कहाँ माफिया के, पैसा कहाँ विधायक के, पैसा कहाँ संसद के, है कि ना है। इसलिए नो डाउट यदि हमने सत्ता में आवे हो तो सबसे पहले नेता मंत्री पदाधिकारी अखनी के कंट्रोल करो, यहाँ उल्टा भेज दो, सभी जनता के कंट्रोल कर दो कि जनता आंदोलन नहीं करे, पुलिस ले आइए, जनता मांग नहीं मांगे डरा दीजिए, हमने अगर सरकार नेता मंत्री अफसर के नेता के की कंट्रोल करबो ना, अभी जो विधायक हो तनखा हो 3 लाख, लेकिन जो विधायक के चुनाव जीत के हारल हो यानी पूर्व विधायक ओकर तनखा यानी पेंशन हो 1 लाख, बताओ 1 लाख को की कर दो। जैसे अभी अमित मंडल उदाहरण के लिए गोटा के अभी चुनाव हार जाओ तो अगर पेंशन मिल दो 1 लाख, और फिर चुनाव लड़को फिर मिल दो 3 लाख। इसलिए अगर हमें सरकार में आवे हो तो ये पहला काम एक में इतो रहो, भारतीय संविधान शेड्यूल 7 के अनुसार सेक्शन 38-42 में इस बात का जिक्र है कि राज्य सरकार जिम्मेदार है विधायक और राज्य की जो नौकरियां हैं उसका वेतन और भत्ता और पेंशन के लिए। तो हम लोग स्पष्ट है सारा पूर्व विधायक के पेंशन बंद कर देंगे। एक विधानसभा में 2 पूर्व विधायक तो 81 विधा में 160 पूर्व विधायक, यानी 160 को आदमी फ्री पकड़ पैसा ले रहा है। तो इसलिए हमने पेंशन बंद कर दे, हाँ जब वो विधायक जैसे अमित मंडल जैसे युवा विधायक अगर है तो 60 साल के बाद पेंशन देबो, वो भी एगो सर्वे करे की सर्वे करबो कि तुम पेंशन लिए के योग्य है कि नहीं, तो हमारा 5 किलो चार दे तो 17 बार सर्वे करें कि चरचक्का हो कि चरचक्का हो कि दालान घर हो कि पप्पा के नौकरी हो कि, तो हमने विधायक के पेंशन देबे 60 साल पार करल बाद तो सर्वे नहीं करबे, 60 साल बाद जब अगर उम्र 60 साल भई ते रिटायरमेंट विधायक के लाके तो सर्वे करबे, उस सर्वे में अगर रिपोर्ट आता है कि नहीं विधायक जी को पेंशन मिलना चाहिए तो देबे और नहीं तो बंद।
राज्य में पैसा कोई कमी ना हो। तो और पैसा कहाँ हो, तो और पैसा मंत्री के फॉर्चुनर में लगा लगा। जनता के पैसा कहाँ मालूम हो, मंत्री जी के फॉर्चुनर में। झारखंड सरकार 20 को फॉर्चुनर ले ले हो, एगो फॉर्चुनर के दाम 55 लाख, तो गुना कर ले 20 लाख गुना 55, सॉरी 55 गुना 20, 55 लाख गुना 20 नहीं, 20 गुना कर ले। तो और पैसा कहाँ हो, मंत्री के आवास में। मंत्री के आवास 6 करोड़ के और तो 1,25,000 के, इतना अंतर। तो और पैसा कहाँ हो, तो और पैसा मुख्यमंत्री बैठ गेल में खर्चा कर लेते। हाँ हेमंत सोरेन जी हतो ना, तो हनी बाल बुतरों के जब पैसा पढ़ाई लिखाई में खर्चा बचलो, अखनी नौटंकी कारण में फुरा दे 70 लाख के क्रिकेट के मैच दो दो बार खेले। यानी अपने यानी हेमंत सरकार के अंदर मूड कर लाए कि आज शाम को चलिए क्रिकेट का मैच खेलते हैं, 70 लाख के खर्चा कर। यानी जनता के पैसा नेता के दरबार में। झारखंड में पैसा के संभावना के कोई कमी ना, झारखंड के सारा धन नेता के दरबार में। इसलिए यदि हम नहीं आवे हो तो सब व्यवस्था के दुरुस्त करल दिताए, एखनी के जो गलत कर तो अपनी के फटकार दिया दिताए। और नो डाउट जिस उम्मीद के साथ झारखंड राज्य बनले है, जिस उम्मीद के साथ झारखंड राज्य यहाँ तक चल के अले है, उस उम्मीद के पूरा करे खातिर तमाम नीति नियम अपना वाल जिताए, जब से झारखंड राज्य मजबूत बने। गाड़ी में रख दी बोला, गाड़ी में रख दी, ये गलत है कि। इसलिए आज कहानी से प्रार्थना है, इस बार गोड्डा विधानसभा जेल के अंदर झोली में दिया। अच्छा नोनो साहब, हमने छाप की लगे जानियो कौन सी छाप, कहानी से नया कुछ की लगे देख ले रूपक नोनो साहब के मालूम हो कैंची छाप, तो नोनो के मैयो के मालूम होना चाहिए कैंची छाप, नोनो के मौसियों के मालूम होना चाहिए कैंची छाप, नोनो के बदियों के मालूम होना चाहिए कैंची छाप। देख ले बुद्रोइन के मालूम हो, गिद्रोइन के मालूम हो, बुद्रोइन के मालूम हो, हमने छाप के अच्छी लगे, तो हमने गलती ना करिया। ठीक ना, ए दीदी साहब, ए दादा साहब, हमने छाप के अच्छी छाप। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लगा के बाद फिर अपनी महाकामा में भी कार्यक्रम हो, बाकी जो बात कह ला रहे बुझ गया ना, समझ गया ना, बस ऐसे काम हो, बढ़िया से रहिया, सूझबूझ से काम करिया, आपस में उलझिया ना, आपस में झगड़िया ना, मिल के रहिया। अरे झारखंड लूटे वाला चाय लाल आए तो अपनी आपस में लड़ते रहिए, झारखंड के जो लूटे वाला होती ना अपनी चाय लाए कि गोतनिया गोतनिये से लड़ते रह जाओ और भैया भैया से लड़ते रह जाओ। इसीलिए आपस में ना लड़िया, आपस में मेल जोल से रहिया, बाकी झारखंड राज्य के बेहतर बनाना हमने के अगर जिम्मा दे, इस राज्य के बेहतर बनाना हमने का जिम्मेवारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये एकम जिंदाबाद। तो आज जितना जान आटा ला जुटा ला फैर से सभी के घर लगा यो घोटवा करीम फैर घोटा है वो चिंता ना है, फैर तोने से मिले ने वो फैर तोने के बीच बात रखे है वो, तब तक इजाजत दिया घर लगा यो जितना हमारे से बड़ है और जितना हमारे से छोटा अपनी का आशीर्वाद दिए। और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जितने भी लोग आए हैं, मीडिया बंधुओं का आभार, स्थानीय पुलिस टीम का आभार, जिला कमेटी प्रखंड कमेटी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कुशल नेतृत्व से ये कार्यक्रम हुआ है। ठीक है, बढ़िया से भाग दिया, बेस्ट से दिया और आशीर्वाद दे के दिया, एक बार हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दे के जा, एक बार हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दे के जा। इस बार चल ठीक है, हम तुम्हें हटे का भाई कि नेता ऐसा मत चुनिए, कि नेता ऐसा मत चुनिए जो 5 साल में एक बार दारू और मुर्गा का हार दे। अरे नेता ऐसा चुनिए जो बेमानों को पारसनाथ के पहाड़ में ले जाके गाड़ दे।
ठीक है, बाकी सबके गौर लगा है, जोहार करा है, नमस्कार करा है, सलाम पेश करा है, जय झारखंड, जोहार झारखंड।